कई दिनों से हमारे चैनल पर आपने एक खबर जरूर सुनी होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर चंद्रशेखर आजाद लोकसभा का है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस बात की पिछले कई दिनों से है वो जानकारी आ रही थी। लेकिन अब खबर निकल कर ये आ रही है कि भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की तैयारी जो है वो नगीना सीट से चल रही है। नगीना लोकसभा की सीट इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के पास है। बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद्र आपको बता दें कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और इस नगीना की सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आप सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद इस वक्त एक तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ है, रालोद गठबंधन के साथ है, और समाजवादी पार्टी और रालोद के पास भी नगीना के अंदर कोई बड़ा चर्चित चेहरा है नहीं। तो आपको बता दें कि उन्हें भी ये सीट देने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वो नहीं हो सकती। तो ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चंद्रशेखर आजाद बतौर नेता अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तहत आपको बता दें कि वो चुनाव लड़ सकते हैं भीम आर्मी के प्रमुख। और इसको लेकर एक वीडियो भी है वो जारी किया गया है जो आप मेरे इस वक्त आपको बता दें कि साइड में देख पा रहे हैं। इसकी ऑडियो में इस पर कई सारे कारण कॉपीराइट वगैरह वगैरह की वजह से मैं इसको चालू नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये वीडियो एक एड वीडियो बनाया गया है जिसके अंदर इस बात की पुष्टि की जा रही है कि भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आगे आने वाले दिनों में नगीना की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नगीना के अंदर कई जगहों पर पोस्टर भी लगे हुए हैं जिन पोस्टर्स में नगीना लोकसभा सीट का सांसद कैसा हो, चंद्रशेखर आजाद जैसा हो, इस तरीके के पोस्टर भी आपको बता दें कि जगह जगह पर दीवार लेखन भी की गई है जो भी आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर रहे हैं और खुद भी आपको बता दें कि वो नगीना की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यह बहुजन समाज पार्टी के लिए भी आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण सीट है। मिलेंगे अपडेटों के साथ, आप चले थे विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।